20 things that I learned in 20 years of my life. Kuch to log kahenge, logo ka kaam hai kehna. Everything is not in your hands. No one is like you. Be grateful to God. Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. If you guys don't know me, I am Deba Jita De, a second year MBA student at AIIMS Kalyani. So, is video mein main share karne wali hu 20 things that I learned in 20 years of my life. It is not that I turned 20 recently. I am 20 and a half years old right now. बट ये वीडियो मैं बहुत दिनों से बनाना चाहती थी. मैं अपनी डायरी पे लिख के रखी थी सारी चीजें. एंड आई वॉज लाइक आई नीड टू शेयर दिस विद माई यूट्यूब फैम. नंबर वन इज हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन. हार्डवर्क के बिना कुछ नहीं हो सकता. अचानक से कुछ जादू नहीं हो जाएगा. अगर आपने एफर्ट्स नहीं दिया है तो रिजल्ट्स नहीं मिलेगा. यू नीड टू वर्क हार्ड. There is no other alternative, no other shortcut to success. But इसी के साथ एक related thing मैं बोलना चाहूँगी. Everything is not in your hands. मतलब every time you give an effort, you are not going to get a result. I know ये थोड़ा सा contradictory लग सकता है, थोड़ा बुरा लग सकता है सुन के, but ऐसा होता है. For example, मैं ये वीडियो बना रही हूँ. Right from filming this video to editing and uploading, it is in my hands. बट आफ्टर अपलोडिंग इस वीडियो को व्यूज मिलेंगे या नहीं वो मेरे हाथ में नहीं है. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. एंड कई बार हुआ भी है आई डू नॉट गेट द अमाउंट ऑफ व्यूज दैट आई एक्सपेक्ट. बट उसका मैं कुछ नहीं कर सकती. एंड बींग सैड अबाउट दैट इज जस्ट अ फूलिशनेस. मैं कई बार होती थी सैड बट नाउ आई हैव लाइक मेड माई सेल्फ रियलाइज दैट नो दिमाग रहता यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट. जितना तुम कर सकते हो उतना कर लो. आफ्टर दैट थोड़ी बहुत लक फैक्टर भी होती है. नेक्स्ट, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ. ट्रस्ट गॉड. बी ग्रेटफुल टू गॉड. डेफिनेटली गॉड हैज प्लान्ड समथिंग गुड फॉर यू. अभी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है बट इन द फ्यूचर यू विल बी गेटिंग द रिजल्ट. द एफर्ट्स दैट यू आर पुटिंग टूडे उसका रिजल्ट मे बी आज आपको नहीं मिल रहा है बट डेफिनेटली वन पॉइंट ऑफ टाइम जाके आपको वो रिजल्ट मिलेंगे बिकॉज Hard work never goes in vain. Trust the timing of your life. If you're going through a bad phase right now, be patient. सबके साथ होता है. सबके life में highs and lows होते हैं. But the way you deal with your lows shapes your personality. The way you handle your hard times makes you a strong person in total. आपको जितना मिला है, be grateful to God for that, because there might be someone who is praying for that thing जो आपके पास है, जो आप granted ले रहे हो. Next, let's talk about friendships in school and colleges. तो अगर आपको school में बहुत अच्छे दोस्त मिले थे who are still your friends, then bro, you are lucky. Keep them with you, do not let them go. आज के ज़माने में अच्छा friend मिलना is not easy. And also, school में जिस type के friendships होते हैं, college में आके वो नहीं होता because school life is totally different. हम बचपन से एक साथ बड़े होते हैं बट कॉलेज में वी कम एज अडल्ट्स. दे आर ऑलरेडी द काइंड ऑफ पर्सन दे आर. नो वन इज गोना चेंज फॉर यू. बट हाँ, कॉलेज में भी मिल सकते हैं आपको अच्छे दोस्त. इट डिपेंड्स. बट हाँ, कॉलेज में चूज योर फ्रेंड्स वाइजली बिकॉज नॉट एवरी वन इज योर वेल विशर. बहुत सारे लोग होंगे जो आपके सामने एक कुछ और प्रिटेंड करेंगे और आपके पीछे कुछ और. तो बी केयरफुल, बी कॉशियस. जितना जल्दी आप पहचान जाएंगे कि हु इज योर ट्रू फ्रेंड एंड हु इज नॉट, उतना ही अच्छा है आपके लिए. दोज आर नॉट योर ट्रू फ्रेंड्स, दोज आर जस्ट प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड्स. मेंटेन अ डिस्टेंस, मेंटेन अ फॉर्मेलिटी विद देम, एंड दैट इज ऑल. नेक्स्ट, यू हैव टू लर्न हाउ टू से नो टू पीपल. पहले ये मेरे लिए भी बहुत डिफिकल्ट था. मुझे भी ऑकवर्ड लगता था कि मैं इसको मुंह पे कैसे ना बोलूं. बट आई एम लर्निंग दिस. The art of saying no is very important, especially when you are living alone. You are living outside your home, away from your parents. It is important because people might take advantage of you. ये तो ना बोल ही नहीं सकती, इससे कुछ भी करवा लो. So be careful, be cautious. Next, learn to enjoy your own company. मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अकेले अकेले रहो, दोस्त मत बनाओ, ऐसा नहीं बोल रही हूँ मैं. कई कई बार ऐसा होगा, you will not get your friends with you always physically. Maybe your friends live in different cities or they are busy with their work. ऐसा होता है because life में हमेशा हर कोई available नहीं होता. So at that time, you have to enjoy your own company. Do not compare yourself with others. अब ये थोड़ा सा personal है, ये मेरे साथ बहुत होता है.
स्पेशली आफ्टर कमिंग टू कॉलेज, ये मेरे साथ बहुत हो रहा है। इनफैक्ट मैं इस प्रॉब्लम को अभी भी फेस कर रही हूँ। मैं अपने आप को अपने पीयर्स से, अपने बैचमेट्स से बहुत ज़्यादा कंपेयर करती हूँ, एंड वॉट आई एंड अप थिंकिंग इज़ कि ये लोग बहुत अच्छा है, यू नो, पढ़ाई में भी अच्छा है, एक्स्ट्रा करिकुलर में भी अच्छा है, बट मुझे तो ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, आई एम नॉट एज गुड एज देम। ये थॉट्स आती है मेरे माइंड में, बट एट दैट टाइम वॉट आई डू इज आई से टू माई सेल्फ, डियर देवाद्रिता, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट। यस, वी आर स्टडिंग इन द सेम कॉलेज इन द सेम ईयर, बट आवर लाइव्स आर कम्प्लीटली डिफरेंट, सबका सिचुएशन डिफरेंट होता है, एंड ऑल्सो सबकी क्वालिटीज भी डिफरेंट होती है। मे बी आई एम गुड एट समथिंग दैट दे आर नॉट, एंड दे आर गुड एट समथिंग दैट आई एम नॉट, एंड दिस इज क्वाइट नेचुरल, राइट? बट ये बोलने का यही पॉइंट था, इफ यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, दिस इज फॉर यू, डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यू आर द बेस्ट इन योर ओन वे एंड नो वन इज लाइक यू। आई कैन नॉट स्ट्रेस हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ऑलवेज कॉन्स्टेंटली सपोर्ट अस, दे फेस अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज फॉर अस बट दे डू नॉट शेयर दैट विद अस, सो इट इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, क्योंकि आज आप जहाँ पे भी है, जितना भी है, आज आप लाइफ में जितना भी सक्सेसफुल है, एवरीथिंग इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेरेंट्स, जस्ट बिकॉज they believed in you, they supported you. Always respect your parents no matter whatever the situation is in your life. We never know about the number of sacrifices that they make for us. Do not waste your time because time is money. I know I might sound like a grandma saying this, but it is what it is, because the time, once it goes away, it will never come back. So here comes the importance of planning. Plan things and balance things, like ऐसा नहीं कि हर टाइम पढ़ाई करना है, कीप टाइम फॉर रिलैक्सेशन, एंड हियर कम्स आवर 12th लेसन, इट इज ओके टू नॉट बी प्रोडक्टिव ऑलवेज, बिकॉज सोशल मीडिया पे प्रोडक्टिविटी का एक बहुत टॉक्सिक ट्रेंड है, बट ऑल्सो इफ यू आर नॉट बीइंग एबल टू बी प्रोडक्टिव, डू नॉट फील गिल्टी अबाउट दैट, इट इज कम्प्लीटली नॉर्मल। इस दुनिया पे कोई भी नहीं है जो हमेशा प्रोडक्टिव रहते हैं, इट इज क्वाइट नॉर्मल, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नॉर्मलाइज दैट बीइंग प्रोडक्टिव इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी। टेक योर टाइम, रिवाइंड, टेक अ स्टेप बैक, रिलैक्स, एंड देन स्टार्ट फ्रेश। नेक्स्ट, जस्ट बी हैप्पी। आई माइट साउंड सिली, बट लाइफ में कई कई बार बहुत डिफिकल्ट फेजेस होती है जब हैप्पी होना भी बहुत डिफिकल्ट लगती है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, नो मैटर वॉट, नो मैटर वॉट एवर फेज यू आर गोइंग थ्रू, जस्ट फेस एवरीथिंग विद अ स्माइल, बी हैप्पी। नन ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स शुड अफेक्ट योर हैप्पीनेस, बट एट द सेम टाइम डू नॉट लिंक हैप्पीनेस विद अचीवमेंट। हमेशा सक्सेस या अचीवमेंट नहीं आती, इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखी बैठ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू आर अ नीट एस्पिरेंट, यू आर प्रिपेरिंग फॉर नीट, बट ड्यू टू एनी रीजन आपका नीट में सेलेक्शन नहीं हुआ, दैट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, राइट? देर आर अ थाउजेंड्स ऑफ अदर ऑप्शन अदर देन नीट, अदर देन MBBS, यू कैन परस्यू एनी वन ऑफ देम, एंड मे बी वन डे यू विल शाइन इन दैट कैरियर। एंड दिस इज लिंक्ड टू आवर 15th लेसन, विच इज इट इज ओके टू फेल समटाइम्स, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन्स, वी ऑल आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, एंड हमेशा हम सक्सीड नहीं करेंगे लाइफ में। लाइफ कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, एंड फेलियर इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं ये बात बोल रही हूँ कि मैं खुद भी फेलियर्स फेस की हूँ, लाइक आफ्टर कमिंग टू मेड स्कूल आई हैव फेल्ड एग्जाम्स, बट दैट इज ओके, दैट इज नॉट द एंड ऑफ माई लाइफ, राइट? फेलियर इन एग्जाम डज नॉट मीन दैट आई डो नॉट हैव द पोटेंशियल, आई डो नॉट हैव द कैपेसिटी, मे बी ड्यू टू सम रीजन और द अदर आई फेल्ड। टेक योर फेलियर्स एज लाइफ लेसन्स। आपको अपनी फेलियर को अच्छे से अनालाइज करना है कि वॉट वेंट रॉन्ग, वाई डिड आई फेल। तो वेन यू विल एनालाइज दैट, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे आपने गलती किया था। सो टेक दैट एज अ लाइफ लेसन एंड मेक श्योर टू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स इन फ्यूचर। नेक्स्ट, टेक ब्रेक्स। ब्रेक्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि आवर माइंड नीड्स ब्रेक टू फंक्शन वेल अगेन। छोटा छोटा ब्रेक हो सकता है, मे बी आफ्टर स्टडिंग फॉर 3 to 4 hours, टेक 1 hour ब्रेक, रिलैक्स, अगेन स्टडी। यू विल सी ऑटोमेटिकली योर ब्रेन फंक्शंस बेटर आफ्टर द ब्रेक। ऑल्सो इट माइट बी अ बिगर ब्रेक,
मे बी एग्जाम के बाद कहीं घूमने चले जाओ, डू वट एवर यू लव, बिकॉज हम लोग के साथ कई कई बार ऐसा होता है, हम लोग के मन में कोई ख्याल आता है बट एंड तक हम वो कर नहीं पाते, एग्जीक्यूट कर नहीं पाते, मे बी बिकॉज ऑफ फियर ऑफ आउटकम, फियर कि लोग क्या कहेंगे इफ आई फेल एंड ऑल, और हम पहले से ही खुद को जज कर लेते हैं कि यार ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो इससे बेटर मैं ट्राई ही ना करूँ. सो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, यू विल फेल एंड नो वन केयर्स इफ यू फेल, एंड ऑल्सो खुद को जज मत कर लेना पहले से ही, बिकॉज अनटिल अनलेस यू ट्राई दैट हाउ डू यू नो दैट यू कैन डू इट और नॉट. कोई भी आपका सपना जो आप यू नो बचपन से करना चाहते थे, डू इट विदाउट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट, ताकि बाद में जाके लाइफ में यू नो 10-20 साल बाद जाके आपको रिग्रेट ना हो, एंड तब आपको रिग्रेट होगी बट आप कुछ कर नहीं सकते हैं. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ट्राई आउट न्यू थिंग्स एंड डू वट एवर यू लव. डू नॉट केयर अबाउट वॉट अदर्स से, बिकॉज कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. आपकी लाइफ की जर्नी बहुत लंबी है, बहुत सारे फेजेस में आपको कई तरह के लोग मिलेंगे, जैसे कि मेरे यूट्यूब पे भी बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं. देर आर सम कमेंट्स, दोज आर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एंड आई एक्चुअली गो थ्रू देम, टेक देम सीरियसली एंड ट्राई टू वर्क ऑन देम, ट्राई टू फिक्स दैट. लोग ऐसे ही कुछ कह रहे हैं जस्ट टू पुट यू डाउन, जस्ट इग्नोर दैट. आई नो इग्नोर करना इतना ईजी नहीं होता, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. आपको खुद को समझाना है कि नो यार, डोंट थिंक अबाउट दैट, डोंट थिंक अबाउट दैट, बिकॉज दैट इज नॉट गॉन हेल्प यू इन एनी वे. फाइनली आई विल बी कंक्लूडिंग दिस वीडियो विद द लास्ट लाइफ लेसन, 20th लेसन. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आई माइट बी अ लिटिल टू यंग टू से दिस, बट आई एम सेइंग इट, लाइफ इज नॉट इजी ब्रो, लाइफ इज नीदर इजी नॉर परफेक्ट. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, फेलियर्स आएंगे, कई कई बार आपके एक्सपेक्टेशंस से चीज़ें मैच नहीं करेंगी, आपके प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होगा, बट यू हैव टू फेस दैट विद अ स्माइल, बी वेरी पेशेंट, एक्सेप्ट योर फेलियर, ट्राई टू इम्प्रूव एंड मूव ऑन, बिकॉज लाइफ गोज ऑन, इट डज नॉट वेट फॉर एनी वन. ओके, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो. आई थिंक मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, मैंने ओवर शेयर भी कर दिया, एंड 20 ईयर ओल्ड के हिसाब से कुछ ज़्यादा ही ज्ञान के बातें कर दिया है मैंने, बट इट्स ओके, ये सब मेरे दिमाग में था एंड आई वॉन्टेड टू शेयर इट विथ यू गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल हियर. इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज devadita_04. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे.